कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह फिर आप लोगों के साथ। लगातार आप देख रहे हैं किसानों की आवाज, न्यूज मार्केट 24 लगातार उठाता हुआ चला आ रहा है और लगातार रेगुलर वीडियो बना रहा है। लगातार जो आप देख रहे हैं कि सोयाबीन कल भी बाजारों में, जो आपको बताया था हमने पहले भी, कल भी रिपोर्ट बनाई थी, कल मीटिंग जारी थी, शिवराज सिंह चौहान ने कल क्या बोला है वो आज बताएंगे और आगे आने वाले समय में लगातार न्यूज मार्केट 24 साथ जो किसान भाइयों की आवाज है कि सोयाबीन का भाव 6000 होना चाहिए, इस समय उनका बिल्कुल भी पड़ता नहीं आ रहा है। तो हमारा जो लगातार वीडियो की मुहिम चल रही है, इसको आप जो किसान भाई लोग जो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो इसको जितना ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और आपको अगर हमारे साथ आपको अपना वीडियो शेयर करना है तो उस पर 6388971 स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहां पर अपना वीडियो डायरेक्ट आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि बात करेंगे कि जो ड्यूटी की खबरें होने के बाद आपने देखा है कि सोयाबीन में कुछ हलचल तो आती हुई दिखाई दी है, लेकिन बाजारों में अभी भी वही बना हुआ है कि बाजारों में कब बाजारों में 6000 रुपए सोयाबीन होगी, तब उनकी जो किसान भाई है उनकी कॉस्टिंग निकलती हुई दिखाई देगी। अभी आप देख रहे हैं 4892 रुपए जो एमएसपी है उससे भी लगातार 800 से 900 रुपए नीचे बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कल जो बाजारों में खबर आई, कल खरीफ फसलों में एमएसपी की खरीद की एक बैठक में फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिस्त्री मिनिस्ट्री के अनुसार मीटिंग में नए सीजन में 485 लाख टन चावल के बराबर पैडी खरीद का टारगेट बनाया है। मिलों की खरीद को तिगुना बढ़ाकर 19 लाख टन का प्रपोजल दिया गया है। मीटिंग में सोयाबीन मूंगफली पे कोई भी चर्चा फिलहाल होती हुई नहीं नजर आई है, ये लेटेस्ट अपडेट है वो हमने आपको बताया है। उसके बावजूद एग्री मिनिस्टर को, अगर आपने देखा है जो मध्य प्रदेश में लगातार आंदोलन चल रहा है, इंदौर से जो मेरे पास खबरें आ रही है, इंदौर में कई जो सोयाबीन के किसान है उन्होंने अपनी फसलें जला दी है, तो ऐसी भी खबरें आ रही है वहां से। फिलहाल आप देखेंगे ये हमारे पास जो सोर्सेस के हिसाब से खबर आ रही है, कल आपने देखा शिवराज सिंह चौहान को भी मध्य प्रदेश छोड़ के दिल्ली आना पड़ा और आप लोगों का इसी तरीके से ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। और हमारी जो मुहिम है इसमें बड़ी बड़ी जो आपने देखा है जो बड़ी जो चैनल है वो लोग भी साथ दे रहे हैं और वो लोग भी इसी तरीके से सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप आने वाले समय में सोयाबीन का जो एमएसपी तो लगी हुई है इस पे बोनस दिया जाए ताकि किसान भाइयों की जो रेट है प्रॉपर उनको मिल सके। कल जैसे कि देखा गया, आपने देखा कि कल शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आए, एक बार फिर उन्होंने तेलों के बढ़ते इंपोर्ट पर सरकार की चिंता को जाहिर करते हुए अगले 6 सालों में एरिया एक्सपेंशन की यील्ड को 60% बढ़ाने का ऐलान करते हुए दिखाई दिए हैं और लगातार इस पे खबरें बनी हुई है कि सरकार ड्यूटी लगाती है, फॉरेन से जो तेल आ रहे हैं उस पर रोक लगाती है, तो लगातार उस पर चर्चा कंटिन्यू आप देख रहे हैं 5 से 6 दिन से, जब से न्यूज मार्केट 24 भी लगा हुआ है और यहां पर आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। और जितना आप लोग कोशिश करिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तो सरकार के कानों में बात जाएगी और जल्दी से जल्दी आगे इसका रेट बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको दे दी किस हिसाब से बाजारों में कामकाज हो रहा है। सोयाबीन की अगर बात करेंगे तो सोयाबीन में आवक कमजोर देखी जा रही है, सोयाबीन का भाव 4760 से 80 रुपए तक बाजारों में कई प्लांटों में बाजारों में देखने को मिला। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो बाजारों में जल्दी आप 5000 रुपए तक का ही भाव देखेंगे। विदेशी बाजारों से भी स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।